दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं YouTube चैनल लई भारी। दोस्तों, आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, NFT रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो गई है। एक बार आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं NFT रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, जिनको मिली है उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, और जिनको नहीं मिली है उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। क्यों? तो उनके पास अभी समय है, अभी भी उनके पास अगर एक्टिवेटर जैसा कार्ड नहीं है तो वो टीयर एक्सटेंड करके, क्वाइन बाय करके, या फिर वर्किंग करके, स्लॉट अपडेट करके भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और रॉयल्टी को क्वालिफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा मिस्टर लाडो सर के लिए, जिन्होंने जिस तरीके से रोड मैप हमें बताया था उसी तरीके से काम चल रहा है, और लगातार उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है रोड मैप के अनुसार। मैं महान उपलब्धि हासिल करने के लिए श्री लाडो कांति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप दुनिया के लिए एक रत्न और प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं जानता हूँ कि आप एक है, पहले दिन से ही आपने अपने शब्दों पर कायम है, और आपने जो किया वह अद्भुत पूर्व है। इस रॉयल्टी बोनस भुगतान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा मानना है कि यह एक बड़े सुनहरे भविष्य का संकेत है। श्री लाडो कांत की और उनकी पूरी टीम को दीर्घ आयु रहे, हम ऐसी कामना ईश्वर से करते हैं। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है, देखिए जो कहा उसी के ऊपर चलना, मतलब कांटों के ऊपर चलने के जैसा होता है, लेकिन मिस्टर लाडो सर ने पहले से जो बताया था उसी तरीके से काम चल रहा है। लोग बोल रहे थे फलाना आम का टीम का भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जो कह रहे थे दोस्तों, उनके पास ना एक्टिवेटर है, ना कुछ, उनके पास सुपरवाइजर है, कोई कार्ड उनके पास नहीं है, वो लोग तो कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वाकई में काबिले तारीके काम है, करोड़ों रुपये का फंड है और वो जमा हुआ है, और वो लोगों में बांटना दोस्तों मामूली बात नहीं होती। लेकिन मिस्टर लाडो सर ने पहले से जैसे बताया वैसे ही काम किया है, और हमें कभी कभी ये गर्व होता है कि मिस्टर लाडो कांतिको के साथ में हम जुड़े हुए हैं। लगभग 15 लाख लोगों का परिवार हो चुका है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अभी रॉयल्टी की ये पहली किस्त आई है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे $100 तो मिला है भैया, $1 भी कोई किसी को देता नहीं। $1 छोड़िए, ₹10 किसी को मांग के देखो तो भी नहीं मिलता है। $100 कोई कम अमाउंट नहीं होती है, ₹9,000 होते हैं अगर आपके पास सुपरवाइजर है। अगर आपके पास एक्टिवेटर है तो $20-21। दोस्तों, ये पहला किस्त है, हो सकता है 3 या 4 किस्त और आए, 6 दिन के गैप से ये आ सकते हैं। तो मेरा निवेदन, खास करके जिनको रॉयल्टी मिली है उनको हार्दिक शुभेच्छा तो मैं देना ही चाहूँगा, लेकिन जिनके पास रॉयल्टी का कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द तैयारी करो दोस्तों। अगर आपने टीयर एक्सटेंड किए हैं, आपके टीयर कॉइन आपको बता रहा है, तो वो कॉइन बाय करने से भी आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप कॉइन सेट के साथ में डाई से बाय करते हो टीयर, तो भी आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप नया स्लॉट बाय करते हैं तो भी आपको एनर्जी मिलती है। तो इस रॉयल्टी NFT से चूकना नहीं है, जैसे चाहे वैसे काम करके भी आप एनर्जी अर्जित कर सकते हैं, और NFT रॉयल्टी को आप कैपेबल हो सकते हैं। आपके पास जितना भी है फिलहाल, NFT OpenSea से ट्रेडिंग बाय सेल बंद कर दिया गया है, तो केवल एक ही परिया हमारे पास बचता है, काम करो या फिर कॉइन बाय करो या फिर स्लॉट बाय करो, तो उसमें से हमें एनर्जी टोकन मिलेगा, और उससे आपकी NFT रॉयल्टी आप भी से आप ले सकते हैं। अभी भी हमारे पास चांस है। लाडो सर ने सबका ध्यान रखा है, 20 दिन इसलिए दिया है कि जो लोगों को समय चाहिए था उनको समय भी मिल गया, और जिनका हो गया है उनके लिए ठीक है। तो बिल्कुल इस मौके से चूकना नहीं है दोस्तों। एक बार फिर से आपको तहे दिल से स्वागत मैं NFT रॉयल्टी जितने भी होल्डर्स है उनका करना चाहूँगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि फ्यूचर के आने वाले ये कुछ दिनों में वो NFT रॉयल्टी होल्डर बन सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।